हमारे बीच तिलक बेहरा जी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीतापुर, गणेश सोनी जी, जनाब बदरुद्दीन इराकी जी, धर्मपाल अग्रवाल जी, संदीप गुप्ता जी, पालू गुप्ता जी, अरविंद गुप्ता जी, रामबली यादव जी हमारे साथ, हमारे जिले के प्रभारी के साथ अतिथि आए हैं, संतोष सिंह जी, राजा चौबे जी, अनिल सिंह जी कर्नल, माधवेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद गुप्ता, राजेश अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता जी, निलय त्रिपाठी जी, हलीम फिरदौसी, विगन राम, संजय पैंकरा जी, सुशील मंडावी जी उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माला से स्वागत करेंगे। सुरेंद्र चौधरी जी, संतोष दास जी, अरुण गुप्ता जी, गौतम चौधरी जी, मंतू गुप्ता जी, ब्रिजेश जी, जयप्रकाश जी, सत्येंद्र सिंह जी, नरेश गुप्ता जी, सूर्य प्रकाश जी, हमारे भी हमारे जशपुर जिला के जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं मजदूर किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सूरज चौरसिया जी, मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। भाई सहस्रांशु पाठक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। श्रीमती कल्पना लकड़ा अध्यक्ष जनपद पंचायत जसपुर, श्रीमती चंद्र प्रभात भगत अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्दुला, श्रीमती अंजना मिंग अध्यक्ष जनपद पंचायत कुनपुरी, श्री संजय साय अध्यक्ष जनपद पंचायत फरसाबाद, श्री सुकृत सिंह सिदार अध्यक्ष जनपद पंचायत पत्थरगांव, श्री जगन राम अध्यक्ष जनपद पंचायत बगीचा, श्री कमल साय भगत अध्यक्ष जनपद पंचायत कासाबेल, श्री श्री बतला जी अध्यक्ष नगर पंचायत बगीचा, श्री वीरेंद्र एक्का जी अध्यक्ष नगर पंचायत कोटबा, श्री अजीम टोपो अध्यक्ष नगर पंचायत कुलपुरी, श्री कुलवंत सिंह भाटिया जी पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वर्तमान उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कासाबेल, मोहम्मद सिराज खान जी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कुनपुरी, श्री नजीर साय निकुंज उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पत्थरगांव, श्री सुरेश जैन जी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बगीचा, श्री जगदीश सापर जी उपाध्यक्ष नगर पंचायत कुनपुरी, श्री सुमित शर्मा जी उपाध्यक्ष नगर पंचायत कोतवा, श्रीमती बुधियारिन सोनी जी श्रीमती बुधियारिन सोनी जी कौन सा वाला भेजे सदस्य जिला पंचायत जसपुर, सुश्री नवीना मेहरा सदस्य जिला पंचायत जसपुर, श्री विष्णु प्रसाद कुलदीप जी सदस्य जिला पंचायत जसपुर, सुश्री सफीरा टप्पो जी, अमित महतो जी, जगन्नाथ गुप्ता जी, अंकित गोयल जी, आप सभी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों की सूची अभी मैं पढ़ूंगा। आप सभी से निवेदन है, श्री रवि शर्मा अध्यक्ष जिला युवक कांग्रेस कमेटी जसपुर के अध्यक्ष, श्री सहस्रांशु पाठक सचिव प्रदेश मसाला और माला पहना से सीधे निकलते जाएंगे, श्री सहस्रांशु पाठक सचिव युवक कांग्रेस छत्तीसगढ़, सुश्री रत्ना पैंकरा सुश्री रत्ना पैंकरा जी अध्यक्ष महिला कांग्रेस के अध्यक्ष,
यहाँ रामजी सिंह जी स्वागत की परंपरा को जिला कलेक्टर जशपुर आदरणीय श्री महादेव कावरे जी से आग्रह जो उद्घाटन भाषण एवं स्वागत भाषण देने का प्रश्न करें आदरणीय श्री महादेव कावरे जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, माननीय मंत्री श्री उमेश पटेल जी, माननीय टीएमडीसी के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन जी, जशपुर के सम्मान्य विधायक श्री विनय भगत जी, जिंदाबाद कार्यक्रम में उपस्थित श्री लालजी सिंह राठिया जी, सम्मान्य विधायक धर्मजयगढ़, श्री प्रकाश नायक जी सम्मान्य विधायक रायगढ़, श्री चक्रधर सिंह जी सम्मान्य विधायक जलौंगा। कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज सागर यादव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी, यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित आयुक्त महोदय सुश्री गिंडो मैडम, आईजी सरगुजा श्री रांगी साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण। मैं आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के जशपुर नगर के प्रथम आगमन पर और समस्त आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जशपुर जिले के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन लगभग 689 करोड़ 59 लाख और लोकार्पण 135 करोड़ 72 लाख के कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों यहाँ पर किया गया। जशपुर जिले को विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से रोड कनेक्टिविटी भवनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भवन जैसे कि छात्रावास भवन है, प्रयास आवासीय विद्यालय है, सौगात मिली है। रोड के कार्यों में सड़कों के चौड़ीकरण के तहत तपकरा कंपनी पत्रिका से धन्ना मार्ग, जशपुर से कुसुमी मार्ग का उन्नयन भवनों में महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूंगा कि कृषि महाविद्यालय की सौगात यहाँ पर मिली है। बगीचा कुनकुरी गुंदला में गृह निर्माण मंडल के द्वारा जीएडी के क्वार्टर का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। जशपुर जिले के आदिवासी बहुल पहाड़ी कोरबा गिरगोर की उन्नति के लिए शासन प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। जिले में डीएमएफ से 100 अनुसूचित जनजाति के जो पहाड़ी कोरबा और गिरगोर के योग मंत्रियों को वजीपी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। संकल्प विद्यालय का संचालन भी डीएमएफ से होता है। इसी प्रकार से यशस्वी जशपुर की माध्यम से कोचिंग सेंटर का भी संचालन नियमों से किया जा रहा है। राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी कार्यक्रम के तहत मैं बताना चाहूंगा कि जशपुर जिले में प्रथम चरण में 81 नालों का चयन किया गया और उसमें लगभग 11 करोड़ 72 लाख का व्यय किया गया है। इस वर्ष भी 75 नाले चयन किए गए हैं और उसके डीपीआर जो है बनाने का काम चल रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत मैं बताना चाहूंगा कि जशपुर जिले में प्रथम चरण 69 उठानों में गोबर क्रय की कार्रवाई की गई है।
सर 41,239 क्विंटल गोबर क्रय किया जाकर गोबर विक्रेताओं को लगभग 80 लाख रुपए का भुगतान भी जो है किया जा चुका है। कोविड-19 के समय प्रवासी मजदूरों को लगभग 2200 मजदूरों को जॉब कार्ड नए बनाकर भी काम दिए गए। वर्तमान में मैं बताना चाहूंगा कि मनरेगा के तहत लगभग 43,853 मजदूर जो है प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, लोगों को काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, प्रत्येक गांव में जो है कार्य किए जा रहे हैं। जयपुर जिले में जो मजरे टोले पाले पा रहे हैं वो मूल गांव से काफी दूरी पर है। जैसे कि ये गांव का बताना चाहूंगा कि गांव के मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जो है ये उनका पारा टोला आता है। यहाँ पर इस तरह की और भी गांवों में बात आती है कि उनको एक प्रत्यक्ष राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। 2018 के बाद राज्य शासन के द्वारा बगीचा के बुधमुरा से अलग करके दोद्रो घाट नया राजस्व ग्राम बनाया गया है। इसी प्रकार से खरसा बहार के गलवा छत्रपुर के मंडेर एक नया राजस्व ग्राम बना है। जिले के हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाथी के आने से जानमाल नुकसान की आशंका बनी रहती है, वन विभाग के साथ संयुक्त कार्य योजना बनाई जा रही है। इस प्रकार से सर्पदंश के जो है क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाया जिससे कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में इस वर्ष कमी आई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत हम लोग जो राहत राशि के प्रकरण होते हैं 24 घंटे में भी जो है राहत राशि का वितरण जो है कराकर शासक प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास जगाया है। इस वर्ष हम लोग दिसंबर महीने में छात्रों के जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं ताकि इन्हीं बच्चों को जो है किसी प्रकार के दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग इस महीने दिसंबर महीने में अभियान चलाकर ये प्रमाण पत्र भी वितरण करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए मैं पुनः सभी जनों का बहुत बहुत जसपुर नगर आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अरे 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 बाबा क्या कर रहा हो, आम रास्ता नहीं कहता, हो गया बस हो गया। धन्यवाद जिला कलेक्टर यशवंत। मैं यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी अग्रवासी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ दो शब्द कहने के लिए। बहुत ही हर्ष का विषय है, आज हमारे जसपुर जिले में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कोई दिक्कत लगभग समस्या 800 करोड़ रुपए के विभिन्न विभागों के कार्यों का शिलान्यास करने के लिए आए हैं। मैं चलो एक ब्रेक के लिए